गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आज मैं ट्रैकिंग करने आ चुका हूँ सेवना दुर्गा ट्रैक में। तो बैंगलोर से ये अप्रॉक्स 70-75 किलोमीटर्स दूर है। तो अभी ऑलमोस्ट मैं पहुँचने वाला हूँ और थोड़ा सा ही बाकी है। तो इस वाले ब्लॉग में मेरे साथ है अभिजीत। तो अभिजीत से आप लोग मिल ही रखे हो, तो मेरे साथ ऑलरेडी दो ब्लॉग में देख चुके आप लोग उसको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेचारा ऊपर तक आ नहीं पाया। तो वो थोड़ा सा आने के बाद थक गया था, उसकी तबीयत ख़राब लग रही थी, तो वहीं पे लेट गया। तो वहाँ से मैं फिर आगे का जर्नी कंटिन्यू किया, तो वहाँ पे फिर से उसने ट्राई किया लेकिन फिर से उसकी तबीयत डाउन हो गया। तो वो अभी रेस्ट ही ले रहा है। तो मैं अभी ऊपर जाऊँगा यहाँ से आप लोगों को व्यू, बाकी आप लोग तो इन्जॉय कर ही रहे हो ब्लॉग को, बाकी ऊपर का भी व्यू आप लोगों को मैं दिखाऊँगा ऊपर चल के। तो बने रहिए आज के ब्लॉग में। हम लोगों ने मैसूर रोड क्रॉस किया है और फर्स्ट अभी इस पॉइंट पे आके रुके हैं, जस्ट टोल क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे आके थोड़ा चाय पी के अपने आप को एनर्जी अपना एनहांस कर रहे हैं। तो अभी इसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे, तो प्रॉब्ली वहीं पे 6 से पहले ही पहुँच जाएंगे। लोगों को लगा था 6 बजे से पहले ही हम पहुँच जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे रोड नेविगेशन गलत दिखाने के वजह से हम लोगों को 90 किलोमीटर चलना पड़ गया और हम लोग पहुँचे 6:30 के आसपास। सब लोग यहाँ पे वैसे एरो मार्क किया हुआ है, तो ये रूट आपको फॉलो करके जाना है। उधर आप देख सकते हो पीछे के साइड कुछ बंदे हैं जो कम्प्लीटली इंक्लाइन है, उस साइड जा रहे हैं। हीरोपंती अपनी जगह पे मतलब सही है, थोड़ा अकल होनी चाहिए। तो वहाँ से अगर स्लिप करेगा तो कुछ नहीं कह सकता भाई। तो देख सकते हो वहाँ पर सारे बैठे हुए, इवन लड़कियाँ भी हैं उस साइड। तो अगर कैपेबल है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ट्रैक के लिए लाइन बना हुआ है और लाइन जरूर फॉलो करना क्योंकि रिस्की है काफी। सवाना दुर्गा ट्रैकिंग एक मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। और हाँ, अगर सवाना दुर्गा के बारे में बताऊं तो दिस इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनोलिथ हिल इन इंडिया। मोनोलिथ मतलब आपका यहाँ पे जो एक जो हिल बना हुआ है सिंगल रॉक के ऊपर है, इसमें कोई मतलब आपका पार्टीशन या फिर कोई रूट ऐसा नहीं बना हुआ है, तो इसीलिए इसका जो क्लाइंबिंग है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे आप जैसे ही चढ़ाई करोगे थोड़ा सा आपको संभाल के चढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज पैर स्लिप होने के बहुत चांसेस रहते हैं। अगर मैं ट्रैकिंग टाइम की बात करूं तो आप ये ट्रैक 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। उतरते टाइम ऐसा फील हो रहा था कि टफ है, लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है उतरते टाइम ज़्यादा टफ है। और भाई बारिश में बिल्कुल मत आना, मैं तो बता रहा हूँ, अगर कर सकते हो तो ठीक है, वरना भाई बहुत रिस्की हो सकता है रॉक्स। ये अगर स्लीपरी होगा तो उतरना तो मतलब चढ़ तो फिर भी जाओगे, उतरते टाइम बहुत दिक्कत होगा। सो गाइज, यहाँ पे जब आओगे थोड़ा सा संभाल के आना है क्योंकि अभी अभी एक बंदा गिर गया था। तो उसके बाद ये देखो यहाँ पे देख सकते हो ब्लड लगा हुआ है, तो उसके यहाँ पे चोट आया है। तो थोड़ा सा जैसे ही आओगे थोड़ा अपने आप को संभाल के मतलब सही से चढ़ाई करना। तो अभिजीत ने बहुत बढ़िया ट्रैकिंग किया, इसने सबसे पहले वहाँ पे पहुँच गया था और सबसे पहले नीचे आया। तो कैसा लगा भाई, मज़ा आया? हाँ, लेट के बहुत मज़ा लेट के बहुत मज़ा आया क्या। एनीवे, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, सब ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करेंगे उसके बाद निकलेंगे। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे पता नहीं 250 रुपीज़ ये लोग चार्ज लेते हैं, तो ऑनलाइन करोगे 300 रुपीज़ के आसपास कुछ आएगा। तो चेक नहीं होता, किस लिए लेते हैं कुछ पता नहीं भाई, कोई गाइड नहीं कुछ नहीं, मतलब किसी भी चीज़ का नहीं है वो, इवन यहाँ पे चेक भी नहीं किया। तो अगर नहीं भी बुक करवाओगे तो अगर निकल जाओगे तो ठीक है, लेकिन हाँ एक बंदा शायद पूछ रहा था, तो रैंडम चेकिंग, रैंडमली पूछ रहा था कि करा है कि नहीं, लेकिन हाँ मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है। तो अगर निकल सकते हो तो फ्री में भी जा सकते हो, और बाकी 250 रुपीज़ लेने का कोई सेंस नहीं बनता, कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते। तो बस अपने से जाना है, सब कुछ खुद से ही करना है।
काफ़ी टाइम बाद आके, टोल के बाद आके हम लोग रुके हैं यहाँ पर, ब्रेकफास्ट स्टॉप जाके मिला है यार। यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बहुत बुरा लगता है, कहीं पे भी जाओ 12 बजे 1 बजे से पहले शॉप खुलता ही नहीं है, खाने का ऑप्शन बहुत कम रहता है रास्ते में। तो अभी हम लोग आते टाइम हम लोगों ने अलग रास्ता लिया है, जब आए थे उस टाइम पे हम लोगों ने मैसूर वाला रोड लिया था, तो मैसूर वाला रोड तो काफ़ी ख़राब था, मतलब जहाँ से कट था, और इवन वो 69 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन हमने वो कट गलती किया तो समझ में भी नहीं आ रहा था, गूगल में भी ठीक से नहीं दिखा रहा था, और 90 किलोमीटर हो गया उधर, और इधर से यानी 75 से आपका वही 89-90 किलोमीटर ही दिखाता है। बट अभी तक हम लोग आए, रोड बहुत ही अच्छा है, और ये वाला रोड मेरे ख्याल से बैंगलोर में जाके केआरपुरम में जाके वहाँ पे टच होता है, तो ये रोड ज़्यादा अच्छा है और यही रोड प्रेफर करना। बाकी होप करता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।